गायों के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ आपको अभी कोविड के अंदर हम उदयपुर गए सारे परिवार वाले सारे पिताजी भी गए सर तो वहाँ गाय नहीं थी तो किशनगढ़ से हम दो गाय और दो बछड़े उनके गाड़ी के अंदर बता गया हमारा शुद्ध वहाँ मिल जाए तो महाराज जी मैं आपको बताऊँ क्या गायों का आपको बताऊँ वो जिस दिन हम गए उसी दिन रात को एक गाय को जानवर खा गया कोई जानवर कोई जहरीला जानवर खा गया उसकी मृत्यु हो गई एक गाय की उदयपुर में उदयपुर में एक गाय की मृत्यु हो गई फिर मैंने उस गाय उन तीनों जो एक गाय और दो बछड़े बच गए उनको उदयपुर घर पे भेजा हम वहाँ हमारे फोर्ट पे ठहरे हुए थे तो गए यहाँ जानवर तो वहाँ वहाँ भेजा उसी दिन शाम को रात को वहाँ जबरदस्त खतरनाक सांप आया उस सांप को फिर पता पड़ गया मैंने चौकीदार लगा दिए थे मैंने सारे तो पता पड़ गया कि बहुत जैसा सांप आया तो फिर सांप को पकड़ने के लिए मैंने कहा ये क्या करें तो वहाँ उदयपुर में जो है पकड़ने वाले तो उनको पक... सांप को पकड़ के और जंगल में छुड़वाया पर ये तो ठीक है महाराज जी पर जो तीन गायें बची एक गाय और दो बछड़े बचे तीन दिन तक उनको हाथों हाथ मैंने अगले दिन किशनगढ़ भेज दिया वापस एक दिन भी दूध नहीं दिया वहाँ एक दिन वहाँ भेज दिया वापस तो वो दोनों बछड़े और एक गाय तीन दिन तक न तो पानी पिया न कुछ चारा खाया और उनकी आंखों में से टल टल आंसू बह रहे हैं वो इतनी सुस्त हो गई तीनों गाय दोनों बछड़े गाय तो वो सब सब कितनी समझती है बताओ तीन दिन तक पानी हम तो मर के पच गए उसके पानी बंटा चारा कुछ भी नहीं खाया न उदयपुर खाया न किशनगढ़ खाया संगी पंचेंद्री है मनुष्यों से ज़्यादा संवेदना उनके अंदर दिखती है आपके किशनगढ़ की उस जिसमें हॉस्पिटल उस गौशाला में मैंने देखा एक गाय चार बछड़े को दूध पिला रही थी और उस गाय की तीन टांग थी खुद की उसका एक बछड़ा था और तीन बछड़े ऐसे थे जिनकी माएँ नहीं थी और वो चारों को दूध पिला रही थी अब ये सीखने की बात है तो यही तो संवेदना है इन प्राणियों में होती है